अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ई रिटेलिंग और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ई टेलिंग अक्सर लोग इसको ऑनलाइन रिटेलिंग भी कहते हैं सो एक्चुअली ऑनलाइन रिटेलिंग या इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज और बोथ टू कंज्यूमर बट थ्रू वाट थ्रू द इंटरनेट ओवर वेब यानी कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सर्विसेज सेल कर रहे हैं या दोनों सेल कर रहे हैं एंड कंज्यूमर को और अगर ये सारा कुछ आप कर रहे हैं ओवर द वेब ओवर द इंटरनेट तो एक्चुअली आप ई e टेलिंग का पार्ट हैं आप ई e रिटेलिंग का पार्ट है नॉर्मली जो ई e रिटेलिंग है ये बी टू सी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करता है यानी कि प्रोडक्ट इज बिन सोल्ड टू कस्टमर बाय द बिजनेस बल्कि आज के दिन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ सो एक नया मॉडल नंबर जो है विच इज़ बी टू सी टू सी मॉडल तो इस केस के अंदर नॉर्मली आपको ऑनलाइन रिटेलिंग में ये बात ज़्यादा नजर आएगी बिकॉज बिजनेस सेल कर रहा है प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू अन अदर कंज्यूमर ऑल्सो सो दिस इज वॉट बी टू सी टू सी मॉडल वेयर द प्रोडक्ट इज बीन सोल्ड बाय अ बिजनेस टू अ कंज्यूमर एंड देन अ कंज्यूमर टू अनादर कंज्यूमर और ये पॉसिबल हो रहा है थ्रू दिस ऑनलाइन रिटेलिंग मॉडल हमारे पास कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं जो कि स्पेसिफ़िकली विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ ऑनलाइन रिटेलिंग के हवाले से सो वी कैन डिस्कस क्विकली वन बाय वन सबसे पहला चैलेंज हमारे पास है अगर हम बात करते हैं सो so वो है लेट्स से लॉजिस्टिक सर्विसेज के हवाले से या हम बात करते हैं शिपमेंट सर्विसेज के हवाले से सो लॉजिस्टिक सर्विसेज के हवाले से जिस तरीके से कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज़ मौजूद नहीं है तो इस तरीके से कस्टमर को जो सबसे पहला चैलेंज नज़र आता है जो रिटेलर को सबसे पहला चैलेंज नज़र आता है कि वो किसको अच्छा पार्टनर चूज़ करे किस लॉजिस्टिक सर्विसेज को के प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाए इसी तरीके से कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल आज के दिन में ऑनलाइन रिटेलिंग में वन ऑफ द चैलेंज़ के जो पेमेंट सोलूशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड बहुत लिमिटेड है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और मेजोरिटी केसेस के अंदर 90 परसेंट केसेस के अंदर इट इज़ कैश ऑन डिलीवरी विच मीन्स कस्टमर पे करना चाहता है जब प्रोडक्ट उसके पास पहुँच जाए पहले वो प्रोडक्ट को देखना चाहता है और फिर प्रोडक्ट को पे करना चाहता है ही इज़ नॉट श्योर कि अगर वो पहले पे कर देगा तो बाद में प्रोडक्ट के रसीव भी होगी या प्रोडक्ट मौसू नहीं होगी तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मिसिंग है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से फीय फैक्टर है कस्टमर को जो प्रोडक्ट उसने मंगवाया है हो सकता है प्रोडक्ट आए ना हो सकता है अगर पैसे दे दिए तो वो पैसों के की वर्थ उतनी ना हो जितनी जो चीज़ आपने मंगवाई है सो so, एक फियर फैक्टर कस्टमर के जहन में ज़रूर मौज मौजूद है बेशक वो इस हवाले से ही हो कि ये वो प्रोडक्ट कहीं ऐसा ना हो कि बी कैटेगरी की हो कहीं वो फ़ेक प्रोडक्ट हो ये सारे फियर फैक्टर उसके पास जहन में मौजूद हैं फिर टच एंड फील फैक्टर की बात करते हैं ये बात इंटरनेशनली भी एप्लीकेबल है और पाकिस्तान के अंदर भी अप्लीकेबल है कि कस्टमर आज के दिन में भी पाकिस्तान में स्टिल ही वॉन्ट्स टू गो विद द फैमिली एंड स्टिल ही वॉन्ट्स टू गो एंड टच द प्रोडक्ट फील द प्रोडक्ट एंड देन वॉन्ट टू बाई इट कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर बाय करके उसकी कोई बहुत ज़्यादा तसली नहीं होती जिस तरह मैंने शूज़ की एग्जाम्पल पहले डिस्कस की है जो जिसके अंदर कस्टमर अगर ऑनलाइन बाय करता है तो शायद उसको उस तरीके से वो कंफर्ट या कन्वीनियंस फील नहीं करता कि शायद जो मैंने मंगवाया है वो पता नहीं मुझे उस तरीके से मौसू हो या ना हो क्योंकि उसने उसको प्रॉपर फिट करके पहन के नहीं देखा चल के नहीं देखा तो शायद वो कम्फर्टेबल जो है वो नहीं हो सकेगा टैक्स स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से टैक्सेशन ऑफ़ द प्रोडक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर सर्विसेज के ऊपर इज़ ए बिग चैलेंज ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करने जा रहा है, किसी भी online services के हवाले से online retailer को, तो ही इज नॉट श्योर कि क्या जो मैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारा कुछ सिक्योर भी है या नहीं है क्योंकि अगर वो सारा कुछ सिक्योर नहीं है तो इस केस के अंदर ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इट ज़्यादा नॉलेज नहीं, नहीं रखता तो स्टिल उसकी एग्जीक्यूशन भी उसके लिए चैलेंज बन जाती है लास्ट पार्ट इज़ द पुअर नॉलेज एंड अवेयरनेस कस्टमर को बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं है को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है स्टिल एजुकेशन लेवल इंटरनेट का एक्सेस सारी बातें मौजूद हैं लेकिन कस्टमर को स्टिल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑनलाइन रिटेलर से ई टेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स को बाय कर सके कुछ एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं जो कि नॉर्मली ई रिटेलिंग के हवाले से आपको ज़्यादातर नज़र आएंगी सबसे पहली बात सोशल मीडिया मेजरली बिजनेस ड्राइव हो रहा है टू द सोशल मीडिया आज के दिन में पाकिस्तान की बात करें या इंटरनेशनली बात करें बेशक वो पिन ट्रस्ट है बेशक वो कोई और इदारा है बेशक कोई और ऐप है जो कि कस्टमर को कन्विंस कर रही है बेशक वो फेसबुक मैसेंजर है कन्विंस कर रहा है बाय करने के लिए प्रोडक्ट को सो उसमें मेजर पार्ट इस सोशल मीडिया के हवाले से डिलीवरी इज़ वन ऑफ़ द मेजर एक्टिविटी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से डिलीवरी वाया ड्रोन इज ए रिसेंट ट्रेंड हमने ट्रेंड्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया इससे पहले भी लेकिन वन ऑफ़ द की एक्टिविटीज़ जो कि ज़रूरी है इज़ अ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर ये नहीं चाह रहा कि वो प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से आए और आके खुद पिक करके लेके जाए तीसरा ऐप ओनली अप्रोच बहुत सारे ई रिटेलर ऐसे हैं जो कि वेबसाइट के साथ ऑपरेट नहीं करें दे हैव ओनली एप्स अवेलेबल और बहुत तेजी से उस बिजनेस को ग्रो करा रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ़ दी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो फिर जिस तरीके से गूगल ने एक स्टार्ट किया बाय नाउ का बटन दिस इज़ ऑल्सो इंक्रेजिंग ऑनलाइन रिटेलिंग एक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट एंड इज ऑल्सो इंकरेजिंग द बिजनेस ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग जिस तरीके से मैंने अभी आपके सामने रखा कि एक ऑनलाइन रिटेलर या इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर जो है वो एक्चुअली क्या करना जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कस्टमर को कनेक्ट कर रहा है किसके थ्रू फ्रॉम द प्रोड्यूसर फ्रॉम द रिटेलर और ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारा कुछ ओवर द इंटरनेट हो रहा है कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करना ऑब्जेक्टिव है और कस्टमर से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द रिटेलर